नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नव्या फूड ब्लॉगर में। तो आज मैं आ गई हूँ एक मीठे की रेसिपी लेकर के। अब त्यौहार आ रहा है तो त्यौहार पे अब आएगी तीज, तो तीज के लिए हम बनाने वाले हैं घेवर। एक ऐसी आसान सी रेसिपी है जो घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और ना ही कोई इतनी मेहनत लगेगी। बस 5 से 10 मिनट में आप इस तरीके से बना करके तैयार कर सकते हैं। इतना आसान रेसिपी बताऊँगी फ्रेंड्स आप कि आपको यकीन ही नहीं होगा। तो चलिए बातें ना करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे एक मेजरिंग कप ले लीजिएगा या कटोरी, जिस बर्तन से भी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप ले रखे हैं, तो जिसमें यहाँ पे मैंने ली है 1 कप मैदा। तो ये देखिए मैंने 1 कप मैदा ली है, उसको मैंने छान लिया है। छानना बहुत ज़रूरी है, छान जरूर लीजिएगा। और यहाँ पर लिया है मैंने 1/2 कप दूध, तो ये उबला हुआ दूध है और ठंडा है। तो आज हम बनाएंगे, हाथों से नहीं बनाएंगे, आज हम बनाएंगे वो क्या है, घेवर का जब हम बैटर बनाते हैं तो हाथों से थोड़ी मेहनत लगती है, और तो आज हम वो चीज़ नहीं करेंगे। आज हम बनाएंगे मिक्सी के जार में। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर का जार ले लिया है। तो मिक्सी के जार में हम सबसे पहले लेंगे 4 चम्मच घी, देसी घी ले रही हूँ मैं। तो ये मैं 1 कप मैदा से बनाऊँगी घेवर, और हमारे काफ़ी सारे घेवर बन करके तैयार होंगे बिल्कुल क्रंची और बिल्कुल हलवाई से भी ज़्यादा अच्छे बन करके तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाल दिया है, 2 चम्मच में और डाल देती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने 4 चम्मच इसमें देसी घी को डाल दिया है, और अब मैं डाल देती हूँ इसी के साथ में ये 1/2 कप ठंडा पानी, एकदम चिल पानी होना चाहिए। तो 1/2 कप मैंने पानी डाल दिया है। इसी के साथ डालने वाले 2 से 3 आइस क्यूब, और इसको फेंट लेंगे एक बार अच्छे तरीके से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फेंटने के बाद कुछ इस तरीके से ये हमारा घी हो जाएगा बिल्कुल मक्खन की तरह एकदम सॉफ्ट। ये दानेदार नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे क्रीम होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ये बन गया है। अब इसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 कप दूध जो हमने लेकर के रखा हुआ था ना, वो डाल लेंगे। और इसी के साथ मैं डाल देती हूँ यहाँ पे मैदा। तो 2 चम्मच के लगभग हम इसमें मैदा डाल देंगे। मैदा को हम धीरे धीरे करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। तो मैंने ये 2 चम्मच मैदा डाल दिया। अब हम इसको फिर से एक बार घुमा लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, ये मैंने फेंट लिया है। अब इसमें फिर से मैदा डालेंगे। तो इसी तरीके से ये थोड़ी थोड़ी करके मैदा डालेंगे, और 2-3 बार में ये हमारा इसी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से डालेंगे, और अगर पानी की मात्रा कम है तो आप इसमें पानी और डाल सकते हैं। मैं अभी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें डाला हुआ है दूध और पानी। तो चलिए मैं एक बार इसको फिर से घुमा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 बार मैंने डाल करके इस तरीके से घुमा लिया है। अब मैं डाल दूँगी ये और मैदा। तो इसी तरीके से हमें 3-4 बार मैदा को डाल करके अच्छे तरीके से पीस लेना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हो गया है, जो बाकी की बैता बची हुई है। अब मैं उसको डाल देती हूँ, और इसी के साथ मैं डाल देती हूँ 1/2 कप पानी लिया था हमने पहले, और 1/2 कप ये ले रखा है। तो हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसके पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, कुछ हमारा इस तरीके से स्मूथ बैटर बन करके तैयार हो जाएगा, ये देखिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें और पानी डाल करके, मैदा हमने सभी डाल दी है, और इसमें पानी डाल करके इसको अच्छी तरीके से 5 से 7 मिनट के लिए पीसेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक चीज़ और डाल देती हूँ जिससे क्रिस्पी एकदम करारा कलर बढ़िया आएगा, वो है 1 चम्मच बेसन। हलवाई लोग जो क्या करते हैं, वो बेसन डालते हैं जिससे कि उनका कलर बहुत अच्छा आता है और एकदम करारे बन करके तैयार होते हैं। लेकिन जब भी आप इसमें पानी डालेंगे, नॉर्मल नहीं डालेंगे, बिल्कुल चिल्ड एकदम ठंडा पानी डालेंगे। तो ये लीजिए, मैं भर के 1/2 कप पानी और डाल रही हूँ। तो 1 कप पानी पहले डाल दिया था और 1/2 ये डाल दिया, 1.5 कप पानी हो गया। और अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से घुमा लेते हैं, मतलब मिक्सी के चला लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने 5 से 7 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है, और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बैटर बन करके तैयार हुआ है। चलिए ये अभी इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल हमें इसका पतला बैटर बनाना है। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इसको इसमें निकाल लिया है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी डाला है, अभी हम इसमें पानी और डाल देंगे। तो बिल्कुल ठंडा पानी डालना है, ये 1/2 कप और 1/2 ये।
तो हो गया ये 3 कप। तो मैंने ये 3 कप पानी डाला है, 1 कप मैदा मिला। अगर आपको बैटर अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसमें पानी और डाल सकते हैं, लेकिन बैटर इस तरीके से होना चाहिए कि जब हम इसमें चमचे में इस तरीके से भर के डालें तो ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से इसमें मिक्स हो जाना चाहिए, इसमें कोई रिबिन वगैरह या कुछ नहीं बनने चाहिए। और देखिए जब हमने ये मिक्सर घुमाया तो कितना अच्छा ये फ्लफी हो चुका है। तो चलिए अब इसी के साथ हम डाल देते हैं 1 नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने ये नींबू के रस को इस तरीके से निकाल लिया है, तो ये 1 से 1.5 चम्मच नींबू का रस होगा, इसे ज़रूर डालिएगा और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करना है इसे। तो 1 कप मैदा में 3-3.5 कप पानी लग जाता है। तो 3 कप मैंने पानी डाला और 1/2 कप मैंने डाला है दूध। आप दूध की जगह पर पानी ही डाल सकते हैं, और दूध है तो डाल लीजिएगा। ये देखिए तो इस तरीके से जब चमचे की साइड हम डालेंगे तो इस तरीके से एक ड्रो हो जानी चाहिए लाइन, जब हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे तो ये देखिए। चलिए अब आइस क्यूब लेंगे और इसको इस बैटर को आइस क्यूब में रख लीजिएगा जिससे कि ये ठंडा रहे, या फिर आपको जितना इस्तेमाल करना है वो ले लीजिएगा और बाकी आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा होने के लिए। तो हमें बिल्कुल ठंडा ही बैटर चाहिए, जब तक हम इसमें घेवर बनाएंगे जब तक ठंडा होना चाहिए। तो ये देखिए जो भी बर्तन आप लें वो बैटर से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, जैसे हमने बैटर रखा है उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं इतना बड़ा, तो मैंने क्या किया मैंने कढ़ाई डाली है, मैं डाल रही हूँ आइस क्यूब। ये देखिए और इसके ऊपर रख देंगे हम ये बैटर वाला अपना इस तरीके से, तो जिससे कि ये ठंडा रहेगा। ये लीजिए मैंने सेट कर दिया है, अब इसको रख दिया है, अब ये ठंडा रहेगा। तो अब आती है घेवर के लिए बर्तन। तो घेवर के लिए हमें बर्तन ऐसा लेना है जो थोड़ा बड़ा हो, उसमें क्या है आधे से ज़्यादा हम तेल या घी जिसमें बनाएंगे वो ज़्यादा होना चाहिए और एक हिस्सा कम होना चाहिए जिससे कि हम जिसमें घेवर डालेंगे, क्योंकि क्या होता है जब हम घेवर का बैटर डालेंगे तो वो उछलता है ऊपर को तेल, तो तेल घी जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो आप एक बड़ा बर्तन ले लीजिएगा, तो मैं चलिए ये ले लेती हूँ भगोना एक। तो चलिए फ्रेंड्स सब कुछ रेडी है, अब हम कर लेते हैं घेवर बनाने के लिए तैयारी। तो उसके लिए हम ले लेते हैं 1 बोतल, आप इस तरीके से पानी की बोतल ले सकते हैं या टमाटर सॉस की इस तरीके से बोतल आती है वो ले सकते हैं, या फिर आप एक कोई पन्नी ले सकते हैं जैसे कि दाल की हो या दूध की हो या छाछ की हो, किसी की भी पन्नी ले सकते हैं। तो आज मैं एक खाली बोतल का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो आज घर में यही रखी हुई थी। तो चलिए पहले हम इसमें एक ढक्कन में होल कर लेते हैं। तो बस हमें क्या करना है ये इस तरीके से टोले गर्म करके, या आप एक कील भी ले सकते हैं बारीक या सुई भी ले सकते हैं अगर आपके पास है, और बस इस तरीके से आप इसमें एक इस तरीके से होल कर दीजिए। इससे क्या होगा आसानी हो जाएगी हमें डालने में। तो ये लीजिए हमारा टोला तैयार है। चलिए और यहाँ पे देखिए मैंने एक भगोने में रख दिया है तेल गर्म होने के लिए। मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है, आप सरसों के तेल में ना बनाएं, या तो घी में बनाएं देसी या फिर रिफाइंड ऑयल में बनाएं। तो चलिए इसे गर्म होने देते हैं। अब हम इस बोतल के अंदर भर लेते हैं ये बैटर। तो बोतल में भरने से पहले एक बार ज़रूर चला लीजिएगा, क्योंकि मैदा नीचे बैठ जाती है जम जाती है। इसको अच्छे तरीके से चला करके जब हम इसको बोतल में भरेंगे बैटर, अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसको पानी डाल करके इसको पतला कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, चम्मच से बना सकते हैं, बोतल से बना सकते हैं, तो उससे थोड़ी आसानी हो जाती है बोतल से हमें। तो चलिए मैं इसमें बोतल में पहले भर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स तेल भी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो गया है और बोतल में भी हमने अपना बैटर कर लिया है। और एक तैयारी और कर लीजिए, एक चन्नी या ऐसे स्टैंड एक रख लीजिए, उसके नीचे बर्तन रख लीजिए, जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। तो ये तैयारी हमें पहले ही करके रखनी है। चलिए अब हम डालेंगे बैटर को। बैटर अच्छा गर्म होना चाहिए, तेल अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए। गैस की फ्लेम एकदम हाई कर लीजिएगा और तभी इसको बैटर को डालना शुरू कीजिएगा। तो ये देखिए बबल्स कितने आ गए हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे। तभी भाप बनना बन जाएंगे तब हम छोड़ डालेंगे। गैस की फ्लेम हाई रखनी है और बैटर डालकर चले जाना है। जब इस तरीके से हो जाएगा और बीच में ये डालना है, तो इस तरीके से हम बीच में ही डालेंगे। जब भी आप बैटर डालेंगे बीच में डालेंगे इस तरीके से।
और बीच में ही डालिएगा, और बीच में इस तरीके से चाकू से या किसी एक लकड़ी से आप इसमें जगह कर लीजिएगा, स्पेस कर लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये डाल दिया है, देखिए जाली कितनी परफेक्ट बन करके तैयार हुई। अब इसे अच्छे तरीके से सेकने दीजिएगा, जब इसमें एक प्यारा सा कलर आ जाएगा तो आप इसे साइड से इस तरीके से थोड़ा सा चाकू से हटा दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा ये नीचे तक आराम से सिक जाएगा। जब आप इस तरीके से टच करेंगे तो ये अपने आप ही नीचे चला जाएगा। ये देखिए बस इसे अच्छी तरीके से गोल्डन होने दीजिए और चाकू से इसे नीचे की साइड इस तरीके से कर दीजिए, जिससे कि ऊपर से भी इसमें प्यारा सा कलर आ जाए। ये देखिए तेल इसके ऊपर आ गया है, अब ये ऊपर से भी अच्छी तरीके से एक लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा। ये लीजिए एक लकड़ी से इस तरीके से हम जब इसे नीचे कर देंगे तो इस पर देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। और अब इसे निकाल लेते हैं, तो आराम से निकालिएगा। ये देखिए अब आपको जितना पतला जितना मोटा आपको बनाना है आप उस हिसाब से इसमें बैटर डालेंगे, तो उस हिसाब से ये बन करके तैयार हो जाएगा। चलिए इसे निकाल लेते हैं और जो हमने वो स्टैंड रखा था उसके ऊपर रख देते हैं, जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। ये देखिए कलर देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कितना ये जालीदार बन करके तैयार हुआ है। चलिए इसी तरीके से हम और भी बना लेते हैं। आप बोतल से चाहें तो बोतल से बना सकते हैं या आप चम्मच से भी बना सकते हैं। चम्मच से क्या करना है, आपको बैटर लेना है और इस तरीके से ऊपर से डाल देना है, बस चम्मच लेंगे और इसी तरीके से बना लेना। जब भी आप बैटर डालें तो इस तरीके से बीच में करके डालेगा और थोड़ा ऊपर से डालेगा, बिल्कुल नीचे से मत डालेगा, क्योंकि ऊपर से डालने से क्या होगा, जब गैस की फ्लेम हाई रहेगी तो हम ऊपर से बैटर डालेंगे तो वो नीचे बिल्कुल नहीं चिपकेगा, ऊपर ही इसी तरीके से जाली बनती चली जाएंगी। तो इसलिए जब ही डालना है जब ये झाग कम हो जाए और बिल्कुल ठंडा बैटर डालना है। ये देखिए अब बंद हो गए हैं, अब उसमें और डाल देते हैं। तो इसी तरीके से हमें ये डालना है और ये देखिए डालते डालते ही ये साइड से अच्छी तरीके से एकदम करारा क्रंची हो गया है। तो इसे चाकू से इस तरीके से हटाएंगे ना तो ये पूरा हिल जाएगा। ये देखिए अब इसे थोड़ा सा इसी तरीके से हम नीचे की साइड कर देंगे तो ये अच्छी तरीके से ऊपर से भी इसमें प्यारा सा कलर आ जाएगा। ये देखिए जब तेल के अंदर ये डूब जाएगा तो इसमें अच्छी तरीके से ऊपर से भी ये क्रंची हो जाएगा। ये लीजिए हमने ये तेल के अंदर कर दिया है, बस इसे अच्छी तरीके से सिकने देते हैं ऊपर से भी। और ये देखिए हमारा ये बन गया है। ये देखिए जितना पतला जितना मोटा आपको रखना है आप उस हिसाब से इसमें रख सकते हैं। और बस अब हम तेल निकालने के लिए जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा, तो हम इसे स्टैंड पे रख देंगे। तो गर्म है इसे आराम से रखें इस तरीके से। देखिए कलर देखिए कितना प्यारा कलर आए हैं, वह इसी तरीके से हम बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, 4 से 5 हमारे बन करके तैयार हुए हैं। मैंने ये पतले करके बनाए हैं, आप इसे मोटा अगर बनाना चाहते हैं तो आपके बढ़िया से मोटा करके भी बन जाएंगे, लेकिन मैंने ये पतले पतले बनाए हैं, मुझे क्रंची ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने ये पतले करके बनाए हैं। तो बस इसी तरीके से बनाइएगा, खाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो मैं आज यही बता रही हूँ आपको बनाने का ही तरीका। आप जब चाहें तब इसमें चाशनी और इसमें रबड़ी या मावा लगा करके और ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल के कभी भी इसे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी जब आप इसको खाएं तभी इसमें चाशनी और रबड़ी डाल करके खाइएगा तो और भी ज़्यादा क्रंची लगते हैं। इससे पहले इसे आप मत बना के रखिएगा क्योंकि वो मज़ा नहीं आता इसमें क्रंचीपन में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स। और मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ 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 फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा, पास में ही बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। देखिए कितने जालीदार हमारे ये घेवर बन करके तैयार हुए हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरे ये घेवर की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।